तो आ गए आप, कैसे हो? नमस्कार, हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत आप सभी का जी के महात्मा जी की छोटी सी फैमिली में। दोस्तों जी के क्विज नंबर 58 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जीके के 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम कवर करेंगे हमारे साथ जो नए मेहमान उन्हें बता दे। अगर आपके 16 या इससे अबव क्वेश्चन ठीक होंगे आप आएंगे ए कैटेगरी में, 10 और 15 के बीच आएंगे बी कैटेगरी में, 10 से नीचे आ पाएंगे सी कैटेगरी में। जितने भी जो भी सही जवाब होते हैं ईमानदारी के साथ काउंट करके आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। जो भी मैक्सिमम नंबर लेगा वो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पर आ जाएगा, उसका अनाउंस हम नेक्स्ट वीडियो की क्विज में जरूर कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन, अमेरिका की आजादी की लड़ाई कब खत्म हुई? आपको 3 सेकंड मिलते हैं। राइट आंसर आर ऑप्शन बी 1783। दोस्तों अमेरिका की आजादी की लड़ाई को संयुक्त राज्य में अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध और क्रांतिकारी युद्ध भी कहा जाता है। ये युद्ध ग्रेट ब्रिटेन और उसके तेहरा उत्तर अमेरिकी उपनिवेशों के बीच एक सैन्य संघर्ष था, जिसमें तेहरा अमेरिकी उपनिवेशों की विजय होती है, जिससे वे उपनिवेश स्वतंत्र संयुक्त राज्य अमेरिका बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं ही राज्य हूँ मेरा ही शब्द कानून है, यह कथन किसका है? राइट आंसर ऑप्शन बी लुई चौहद्वा। दोस्तों लुई चौहद्वा एक ऐसा राजा था जिसने आजीवन फ्रांस पर शासन किया। यह यूरोप के इतिहास में किसी भी राजा के शासन काल में सबसे बड़ा है। वे मात्र 13 वर्ष की आयु में ही राजा बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम भारत में कहां से आया था? राइट आंसर ऑप्शन ए अरब। दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था जिन्होंने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगीला नाम से किस शासक को जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी मोहम्मद शाह। दोस्तों इनके बारे में बड़े किस्से प्रचलित है, कुछ बताते हैं आपको। ये एक प्रकार से पागल राजा था। बादशाह बनते ही इसने उल्टी पुल्टी हरकतें शुरू कर दी थी। वह किसी को भी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पोस्ट पर बिठा देता था और पल भर में ही उसको जेल में डाल देता था। वह अक्सर दरबार में नंगा भी आ जाता था और सभी दरबारी उसके आदर में अपने कपड़े उतार देते थे। वह हुक्म देता था कि कल सभी दरबार में औरत के कपड़े पहन कर आएंगे और मजबूरी में सभी को औरत के कपड़े पहन कर आना पड़ता था। इनकार की कोई गुंजाइश नहीं होती थी। दोस्तों काफ़ी लंबे लंबे किस्से हैं, इसके समय कम होने की वजह से हम आपको नहीं बताएंगे, इतना रंगीला राजा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया उसका क्या नाम है? राइट आंसर ऑप्शन बी हिरोशिमा। दोस्तों हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 की सुबह परमाणु बम गिराया गया था जिसका नाम था लिटिल बॉय, और उसके ठीक 3 दिन बाद नागासाकी शहर पर भी परमाणु बम गिराया गया जिसका नाम था फैट मैन। भाइयों बहनों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, कैसे बम गिराने चाहिए क्या? आप मुझे जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्युमिनियम के बर्तन में कौन सी धातु होती है? राइट आंसर ऑप्शन बी बॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवधारियों के खून को साफ कौन सी गैस करती है? राइट आंसर ऑप्शन ए ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव की खोज किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन सी जोसेफ फोरियर। दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव की खोज 1824 में जोसेफ फोरियर द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम की खोज किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन ए सर हम्फ्री डेवी। दोस्तों हम्फ्री डेवी ने 1808 में कैल्शियम की खोज की थी, उन्होंने इसे कैल्शियम क्लोराइड से अलग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2015 में किस देश में बिना तारों की बिजली जलाने की खोज हुई? बिल्कुल इजी क्वेश्चन। राइट आंसर ऑप्शन डी जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूबलाइट में किसकी वाष्प होती है? राइट आंसर ऑप्शन सी पारे की वाष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि का आरंभ किस समय में हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन बी नवपाषाण समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया की पहली साइंस सिटी भारत के किस शहर में है? राइट आंसर ऑप्शन ए कोलकाता।
दोस्तों कोलकाता की विज्ञान नगरी विज्ञान से संबंधित एक प्रदर्शनी व संग्रहालय है। यह भारतीय उपमहाद्वीप में अपने तरह की सबसे बड़ी व अनोखी विज्ञान केंद्र है। यह भारत सरकार के संस्कृत मंत्रालय के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपिल देव ने अपना पहला टेस्ट मैच किस देश के खिलाफ खेला था? राइट आंसर ऑप्शन सी, पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेटर के आविष्कारक कौन है? राइट आंसर ऑप्शन डी, ब्लेज पास्कल। दोस्तों सन 1642 में यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार किया गया था ब्लेज पास्कल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? राइट आंसर ऑप्शन बी, कमलजीत सिंधु। दोस्तों कमलजीत सिंधु ने 1970 में बैंकॉक एशियाई खेलों में 400 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीता था। इसी के साथ वह पहली भारतीय महिला बनी जिन्होंने एशियाई खेलों में सबसे पहले गोल्ड मेडल जीता। क्या बात है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले हॉकी खेल कहाँ खेला गया? राइट आंसर ऑप्शन बी, कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह देश जहां विश्व के प्रथम स्पेशल इफेक्ट ट्रांसपेरेंट वॉकेबल ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 नवंबर 2017 तक माल और सेवा कर GST में सर्वाधिक योगदान प्रदान करने वाला राज्य है? राइट आंसर ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह देश जिसने हाल ही में विश्व के सबसे बड़े जल स्थलचर विमान का सफल परीक्षण किया? राइट आंसर ऑप्शन डी, चीन। तो दोस्तों कुल मिलाकर हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ खट्टे हैं, कुछ मीठे हैं, कुछ चटपटे हैं, बाकी बहुत टेस्टी हैं। तो दोस्तों आपने अपने सही सही जवाब काउंट कर लिए होंगे और आपको पता भी चल गया होगा आपका GK स्टैंडर्ड क्या है। तो प्लीज़ ईमानदारी के साथ कीजिए कमेंट्स फटाफट। जो भी मैक्सिमम नंबर लेगा वो फर्स्ट की थर्ड पोजीशन पर आ जाएगा, उसका अनाउंस हम नेक्स्ट वीडियो की क्विज में कर देंगे। और आप बात करते हैं चैलेंज की, आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है चैलेंज के तौर पर, इसका जवाब भी आपको सही सही कॉमेंट्स बॉक्स में देना है। आपको क्वेश्चन मिलता है किस राज्य की सरकार ने विकलांग सैनिकों व आश्रितों के लिए योजना शुरू की है? ऑप्शन मिल रहे हैं आपको, सही सही जवाब आप हमें कमेंट्स में दे सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं पिछली क्विज में पूछे गए क्वेश्चन की। हमने आपसे पूछा था कौन सा शहर देश का पहला ऐसा शहर बन गया जिसे अपनी ब्रांड पहचान और लोगो मिल गया है? इसका सही जवाब होगा बेंगलुरु। और लगभग लगभग सभी ने सही जवाब दिया था, एक दो कैंडिडेट को छोड़कर। और दोस्तों अब हम बात करेंगे अपनी पिछली क्विज के विनर की। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वो देख सकते हैं, अदरवाइज आप वीडियो को लाइक और शेयर करके छोड़ सकते हैं। और नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। भाइयों बहनों, पहले पोजीशन पर दीपेंद्र कुमार जी है, आने 20 के 20 सवाल सही बताए और बिल्कुल सही जवाब दिए, जोरदार तालियां। बाबूजी दूसरी पोजीशन पर यादव लाल बहादुर जी हैं और मुश्ताक खान जी हैं, इन्होंने 20 के 20 सवाल सही बताए हैं और बिल्कुल सही जवाब दिया है। मेरा मित्र तीसरे पोजीशन पर कृष्ण कुमार जी, मंजीत यादव जी और संदीप शर्मा जी, इन्होंने 20 के 20 सवाल सही बताए और बिल्कुल सही जवाब दिया, इनके लिए जोरदार। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी की परफॉर्मेंस बहुत बहुत अच्छी है और आज नहीं तो कल आपका फर्स्ट पोजीशन पर नंबर आ ही जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप अपनी परफॉर्मेंस को बनाए रखेंगे और कमेंट्स बॉक्स को प्रॉपर चेक करते रहिए, वहां पर आपके नंबर शो होते हैं और आपके फ्रेंड्स भी आपको पता चलेगा कि आपका GK स्टैंडर्ड क्या है। और आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी विचार हो तो प्लीज कॉमेंट्स में बताइएगा जरूर, कॉमेंट्स बॉक्स आप ही के लिए, इसे भर दीजिए। दोस्तों हमारी कोशिश होती है कि हम हर रोज आपके लिए एक वीडियो जरूर लेके आए और हम लेकर भी आते हैं। और आप इतना ही नहीं, पीछे वाली जो वीडियो आप देख चुके हैं उनको भी आप देखिए
और आपको पता चलेगा कि आपने पीछे क्या स्कोर किया था और अब कितना किया है। तो पीछे पीछे कभी कभार समय निकाल कर आप पीछे वाली भी सीरीज देख लीजिए और उनके नंबर आप नोट करते रहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।